हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट माहिरा आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो जो है ना, सबसे ज़्यादा सर्च में रहती हैं कि हम मेहंदी कैसे अप्लाई करें और कौन सा मेहंदी बेस्ट होता है आपके बालों के लिए। जी हाँ, बालों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेहंदी कितना अच्छा होता है आपके बालों के लिए। ये बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर भी है मेहंदी, और आपके बालों को एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल कलर भी प्रोवाइड करता है। एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा मेहंदी का प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ हिमालय के नेचुरल शाइन हिना का। ये हिमालय का मेहंदी पाउडर है जो कि आप बाल पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आज इसी प्रोडक्ट का मैं रिव्यू एंड डेमो दोनों आपसे शेयर करने वाली हूँ। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और इसके मेहंदी के पैक को बनाना कैसे है आज वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये है हिमालय के नेचुरल शाइन हिना, और ये प्री मेच्योर ग्रेइंग से फाइट करता है, और इसका कलर भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा ये प्रोडक्ट क्लेम करता है, जैसे कि आप पैकेजिंग पे देख रहे हैं मेंशन है। एंड इसमें है भृंगराज, आमला एंड करी लीव्स। आमला, भृंगराज, करी लीव्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एक सॉफ्ट, शाइनी एंड हेल्दी हेयर आपको प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट क्वांटिटी है 120 ग्राम एंड 75 इसका प्राइस है दोस्तों। प्रोडक्ट आपको किसी भी लोकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएगा, इसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भृंगराज है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आमला है जो कि है आपके बालों को डार्कन करने में हेल्प करता है, आपके बालों को काला रखता है। इसमें करी लीव्स है जो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग से फाइट करता है। इसमें मेथी भी है जो कि आपके बालों को कंडीशन करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है। इसमें शिकाकाई है जो कि आपके बालों को, स्कैल्प को क्लीन करता है और आपके बालों को शाइनी बनाता है। इसमें बहेरा है जो कि आपके स्कैल्प को सूद करता है। एंड इसमें हरद भी है जो कि आपके बालों को नरिश करता है। नीम है जो कि डैंड्रफ से फाइट करता है। एंड इसमें ग्रीन टी भी है जो कि आपके बालों को लस्ट्रस बनाता है और हेयर को शाइनी बनाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं आपको इसका पैक बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है। तो इसको हम पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसको पैक को बनाना कैसे है और अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम मेहंदी के पैक को बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे 2 कप गर्म पानी उबालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब चाय पत्ती। चाय पत्ती के पानी को हमें अच्छे से खौला लेना है, और इसे हम मेहंदी का पैक बनाने में यूज़ करेंगे। पानी अच्छी तरीके से उबल चुका है, कलर भी आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक पानी ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। मैंने इस बोल में मेहंदी का पाउडर डाला है। मेरे पास कोई लोहे का बर्तन नहीं था, लोहे का बर्तन अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने इसमें मेहंदी का पाउडर डाल दिया है, और अब हम डालेंगे इसमें एल्प्स गुडनेस का हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर। करीब 1 बड़ा चम्मच मैं एल्प्स गुडनेस का हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर डालूंगी। एल्प्स गुडनेस का हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, और इसमें 100% प्योर एंड नेचुरल, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग के साथ आता है ये और प्रोडक्ट। और दिस इज क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। इसका 170 रुपीज। और हिबिस्कस आपके बालों के लिए कितना अच्छा होता है आप जानते ही हैं दोस्तों। अब मैं इसमें डालूंगी करीबन 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और इन सारे पाउडर्स को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा। अंडा आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, इसीलिए मेहंदी में डालना ज़रूरी है। और उसके बाद मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब दही। दही आपके स्कैल्प को नरिश करता है, और आप मार्केट का भी दही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं डालूंगी एलोवेरा जेल, और मैं, मेरे घर पे एलोवेरा का पेड़ है, तो
मैं नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से जेल को एक्सट्रैक्ट करके। आप मार्केट का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो सारे एलोवेरा जितना मैंने एक्सट्रैक्ट किया था वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी करीबन एक पूरा नींबू। नींबू डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है और शाइन प्रोवाइड करता है, तो नींबू भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पर वाओ का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ और एक चम्मच के करीब डालूंगी ताकि मेहंदी आपके बालों को ड्राई ना करे। और यहाँ हमारा चाय पत्ती का पानी ठंडा हो चुका है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक साथ आपको चाय की पत्ती का पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर आपको इसमें डालना है और इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करके तैयार कर लेना है। और मैं जो पेस्ट तैयार करती हूँ दोस्तों मेहंदी का, वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है, रनी टेक्सचर नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके का गाढ़ा ही मैं मेहंदी का पेस्ट तैयार करती हूँ। और अब हमें इसे ढककर ओवरनाइट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। गाइज़, मैं अब कल मेहंदी का पैक को अप्लाई करूँगी अपने बालों पे। फ़िलहाल आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे बाल हो रखे हैं, डल, ड्राई, डैमेज। और बाल टूट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। और मैं आपको अपने नेचुरल ग्रे हेयर दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, मेरे बाल भी कितने ज़्यादा ग्रे हो रखे हैं, वाइट हो रखे हैं। तो ये जो मेहंदी है ये इन सारे ग्रे हेयर को भी कवर कर देगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। और ये ना स्कैल्प को भी बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करता है मेहंदी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है फ़िलहाल मेरे बालों की कंडीशन। और मेहंदी लगाने के बाद और हटाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसने मेरे बालों पे वर्क किया है और ग्रे हेयर को अच्छे से इसने कवर किया है या नहीं किया है। तो गाइस, बालों को मैंने अच्छे से कोम्ब कर लिया है और अब मैं यहाँ पर बीच से पार्टीशन कर लूँगी। और अच्छे से कोम्ब करने के बाद अब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। मेक श्योर आप बालों को अच्छे से कोम्ब ज़रूर करें, अदरवाइज़ टैंगल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पार्टीशन करके मेहंदी को अप्लाई करना है, फिर एक तरफ से और आपको पार्टीशन करना है कुछ इस तरीके से अपने बालों में, और मेहंदी को अप्लाई करना है। मेहंदी आपको फ्रॉम रूट टू द टिप अप्लाई करना है। खुद से मेहंदी अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और अच्छे से अप्लाई भी नहीं होता है। मैं जनरली अपनी मॉम से लगवाती हूँ, खुद से तो मैं नहीं लगाती हूँ। गाइज़, मैंने अभी ये मेहंदी अप्लाई कर लिया है और इसी तरीके से आपको भी मेहंदी अप्लाई करके कैप बना लेना है, अदरवाइज़ आप जूड़ा करके क्लचर लगा सकते हैं। मैं जनरली कैप ही बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, एज़ यू कैन सी। सो फ्रॉम रूट टू द टिप मैंने अप्लाई कर लिया है और ये मेहंदी बहुत ही अच्छा कलर भी छोड़ेगी, थोड़ा ब्राउनिश छोड़ेगी क्योंकि मैंने इसमें कॉफ़ी मिक्स किया है। और आप मेरे हाथ देख सकते हैं तो इस तरीके से ऑरेंज हो गए, ये एक दो दिन में चले जाएंगे। तो आप ग्लव्स लगा कर, आप पहनकर ही मेहंदी अप्लाई करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेहंदी अप्लाई कर लिया है और इसको मैं रखूँगी 3 घंटे, 3 आवर्स, पूरे 3 घंटे मुझे इसको रखना है। और कोई सा भी मेहंदी आप अप्लाई करें, 3 घंटे तो कम से कम आप अपने बालों पे इसको रखें। और 3 घंटे बाद मैं हेयर वॉश करके आपसे मिलती हूँ दोस्तों। तो गाइस, 3 घंटे बाद मैंने नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश कर लिया है और अभी आपको कलर उतना समझ में नहीं आएगा, मेरे बाल गीले हैं। सूखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, बाल पूरी तरीके से सूख चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मेरे ग्रे हेयर को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। सारे हेयर को इसने एक ब्राउन टिंट छोड़ा है मेरे बालों पे। और बाल सूखने के बाद आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। कोई सा भी ऑयल आप बालों पे अप्लाई करें, रात भर ऑयल को छोड़ दें अपने बालों पर और सुबह उठकर शैम्पू कर लें। ये मेहंदी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस और शाइनी नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जिनको मेहंदी लगाना अपने बालों पे पसंद है। और मुझे इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।